हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इमिता सीएससी हेल्पलाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फॉर्म है जो भर रहे हो, फॉर्म भरते समय आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, सोविंग सर्टिफिकेट, बुआई प्रमाण पत्र। दोस्तों, आप ये बुआई प्रमाण पत्र किस प्रकार से बना सकते हो और इसमें किन के साइन करवाने पड़ेंगे, वो सब जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, ये बनवाने के लिए एक पीडीएफ है मेरे पास में। पीडीएफ की लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप इसको डायरेक्ट वहाँ से भी है जो डाउनलोड कर सकते हो। और उसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको उसमें एक पटवारी का साइन करवाना होगा। और ये पूरा फॉर्मेट भरने की प्रोसेस क्या है, वो सब जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो फॉर्मेट और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको शोविंग सर्टिफिकेट बुआई प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मेरे पास में ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट की लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप इसको डायरेक्ट वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रवि 2020 में फसल बीमा करवाने हेतु घोषणा पत्र। तो यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे आपको सबसे पहले किसान का नाम डाल देना है, उसके माता पिता का नाम डाल देना है, उसका एड्रेस, पूरा एड्रेस डाल देना है जो उसके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, वो एड्रेस डाल देना है। उसके बाद में उसकी तहसील डाल देनी है, उसके बाद में उनका जिला डाल देना है। दोस्तों, यहाँ पे लिख देना है हमारा जिला हनुमानगढ़ था, तो हनुमानगढ़ के नाम से मैंने बना दिया है। आप यहाँ से इसको काट के या फिर फोटोशॉप से एडिट करके इसको कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पे आपको क्रमांक नंबर लगा देना है, जितने भी फसल के क्रमांक नंबर है वो यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे फसल का नाम मान आपको लिख देना है, जो फसल का नाम है। उसके बाद में जिस भी चक या फिर गांव में आपकी फसल आती है, आपका खेत आता है, वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में कौन से पटवार मंडल में आती है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में आपने जो फसल बीजी है या फिर बोई है, उस फसल का कितने हेक्टेयर में आपने वो फसल है जो बोई है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद में आपका वो बैंक खाता लगाना है जो आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक है, तो उस बैंक खाते का यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको जो साथ में दस्तावेज लगाने हैं वो है, एक तो आपकी जो नवीनतम जमाबंदी है वो निकालनी है। दोस्तों, जमाबंदी किस प्रकार से निकाल सकते हो, उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो का आई बटन में और एंड स्क्रीन में दे रहा हूँ, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको डायरेक्ट वहां से भी देख सकते हो। उसके बाद आपको आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लगानी है, उसके बाद बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी लगानी है, उसके बाद में आपको बुआई प्रमाण पत्र लगाना है। बुआई प्रमाण पत्र भी मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आप बना सकते हो। दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पे आपको जो कृषक के साइन करवा लेने हैं, जो किसान है उसके साइन करवा लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे किसान का नाम लिख देना है, उसके माता पिता का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद बैंक खाता संख्या लिख देनी है, आधार नंबर जो यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बुआई प्रमाण पत्र की। दोस्तों, यहाँ पे बुआई प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको यहाँ पे किसान का नाम आ जाएगा, किसान के माता पिता का नाम आ जाएगा, जिस भी एरिया में उनकी है जो जमीन आती है वो गांव का नाम आ जाएगा, हल्का नंबर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ग्राम पंचायत आ जाएगी, यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे तहसील आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आपको जिला लिख देना है। उसके बाद यहाँ आपकी जो जमीन है उस जमीन का कौन सा खाता नंबर है, कितना खाता नंबर, वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे खसरा नंबर लिख देना है आपको। उसके बाद आपकी जो फसल बोई है उस फसल का नाम लिख देना है, आपको कितने रकबा में यह फसल बोई है यहाँ पे रकबा नंबर लिख देना है। उसके बाद में जमीन आपकी है या फिर आपने किसी बटाईदार को दे रखी है, जैसे आज पर दे रखी है, ठेके पर दे रखी है, तो वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको पटवारी के पास में जाना है, पटवारी के पास में जाने के बाद में आपको यह फॉर्म पटवारी को देना होगा। पटवारी यहाँ पे अपनी मोहर लगा देगा, और यहाँ पे मोहर और साइन और यहाँ पे दिनांक भी लिख देगा। दोस्तों, यहाँ पे पटवारी का आपको यह है, तो पटवारी से अटेस्टेड करवाना बहुत जरूरी है। आपको पटवारी के यहाँ पे मोहर और साइन करवाना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपको साइन करवाने होंगे। आप पटवारी के साइन करवाओगे तभी आपका फॉर्म है जो वैलिड माना जाएगा, अन्यथा आपका यह फॉर्म है जो वैलिड नहीं माना जाएगा। दोस्तों, आप इसका फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो, उसकी वीडियो लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन में दे रहा हूं, तो आप इसको डायरेक्ट वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, इसकी पीडीएफ की लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप इस फॉर्मेट को वहां से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, इसी प्रकार की नई नई और ताज़ा जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करने से मैं जैसे कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन है जो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस चैनल पर मैं ई मित्रा सीएससी और एजुकेशन से रिलेटेड आप सबके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।